स्वागत है आपकी रिचनल ऑफ इनवाइज पे। क्या जीवी के पावर के शेयर में अभी खरीदारी कर सकते हैं? ये जो कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, इस कंपनी के शेयर में कुछ दिन में एक जबरदस्त तेजी बना, फिलहाल अभी शेयर डाउन चल रहा है। जीवी के पावर को लेकर देखेंगे तो बहुत से इन्वेस्टर्स से जिन लोगों ने इस शेयर में थोड़ा ज़्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है। तो जीवी के पावर का शेयर कैसा है, फंडामेंटली ये कंपनी कैसा है, टेक्निकली जीवी के पावर का शेयर कैसा चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट हो। शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। जीबी के पावर का देखते दोस्तों, एक दिन में लगभग ये शेयर जो है 1.8% डाउन हुआ है। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में 1.8% शेयर डाउन हुआ है, और वन मंथ का देखते तो 4.5% ये शेयर डाउन हुआ है। तो अभी यहाँ पे जीबी के पावर का जो ड्यूरेबिलिटी है दोस्तों, जो कि 55 है आउट ऑफ 100। वही दोस्तों बात करते हैं वैल्यूएशन जो है 55.20 है आउट ऑफ 100, मोमेंटियम 56.60 है आउट ऑफ 100। तो इन्वेस्टर्स की ओर से एक डिमांड क्रेज अभी भी जीबी के पावर को लेके देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इस कंपनी का, मतलब वन मंथ में जो जीबी के पावर के शेयर ने एक हाई प्राइस बनाया है वन मंथ में, जो कि 12 रुपीज़ का है, और जो लो प्राइस बनाया है 10.15 पैसे का। वही दोस्तों एक हफ्ते का हाई प्राइस देखते हैं 11.20 पैसे का है, और जो लो प्राइस बनाया है 10.50 पैसे का। जीबी के पावर का दोस्तों यहाँ पे समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जहाँ पे देखिए इस कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ चीज़ें वो देखते हैं यहाँ पे। जहाँ पे जीबी के पावर जो है देख सकते हैं कंसिस्टेंट हाइस्ट रिटर्न स्टॉक्स है ओवर 5 ईयर्स निफ्टी 500 का। वही दोस्तों देखते हैं इसका जो आरओए है, आरओए जो कि इम्प्रूव हो रहा है जीबी के पावर का पिछले, अगर देखते हैं हम लोग यहाँ 2 साल से, जो कि एसेट जनरेट जो है प्रॉफिट्स यहाँ पे हो रहा है। अभी एफिशिएंटली जो है कंपनी इसके जो एसेट्स है वो यूज़ कर रहा है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। प्रोमोटर्स का जो शेयर्स है ज़्यादा कुछ वगैरह या फिर जीरो जो है बेस्ट है। अभी यहाँ पे वीकनेस की बात करते हैं जीबी के पावर का, हाइएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग्स। तो जीबी के पावर का जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है जो कि ज़्यादा है जो ये अर्निंग करता है उससे। आरओए की बात करते हैं, इनसफिशियंट यूज़ ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स का जो फंड्स है वो इनसफिशियंटली जीबी के पावर यूज़ कर रहा है। आरओई जो है पिछले 2 साल से डिक्लाइन हो रहा है जीबी के पावर का। अभी कंपनी का देखिए जो इसका बोल सकते हैं कि रेवेन्यू जो है जीबी के पावर का, जो पावर का जो रेवेन्यू है एवरी क्वार्टर, मतलब पिछले 2 क्वार्टर से देखते हैं तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि डिक्लाइन हो रहा है इसका रेवेन्यू। और वही दोस्तों प्रॉफिट की बात करते, पिछले 2 क्वार्टर का प्रॉफिट जो है यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा। तो रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर से कुछ खास नहीं है जीबी के पावर का, प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर से कुछ खास नहीं है जीबी के पावर का। तो कंपनी का अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो बोल सकते कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जीबी के पावर का दोस्तों, जो कि 1689.8 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली जीबी के पावर का शेयर कैसा है दोस्तों? तो ये शेयर टेक्निकली, जो जीबी के पावर का शेयर टेक्निकली कुछ खास नहीं है, टेक्निकली एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है शेयर। आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। वही दोस्तों मैकडी इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक बेयरिश लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए शेयर इतना कुछ खास नहीं है जीबी के पावर का, टेक्निकली अगर बात करते हैं हम लोग तो कुछ स्ट्रांग नहीं है उतना शेयर की हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस के लिए शेयर को खरीदारी करें। अभी जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास 54.25% का स्टेक है। तो बोल सकते हैं कि प्रोमोटर जो है जीबी के पावर का बहुत ही स्ट्रांग है। 54.25% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस के पास 0.85% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 0.49% का स्टेक है। पब्लिक के पास 44.39% का स्टेक है जीबी के पावर का। तो ओवरऑल दोस्तों टेक्निकली कंपनी उतना कुछ स्ट्रांग नहीं है। फिलहाल प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक। जीबी के पावर जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट स्ट्रांग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल 23 में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू वगैरह है या फिर बोल से प्रॉफिट जो है उसमें थोड़ा बहुत एक जम देखने को मिला है, इंक्रीज हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, जो कि 147 इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसके जो ऑपरेशंस से है अच्छा खासा एक जो है इसका रेवेन्यू जंप हुआ है, रीचिंग जो कि 2120 करोड़ फाइनेंशियल 23 में इसका हुआ है, जो इसके पहले था 858 करोड़ का। तो फिलहाल अभी कंपनी का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसका जो रेवेन्यू वगैरह है थोड़ा बहुत, तो FIS के पास देखिए जीबी के पावर का लगभग 0.52% का स्टेक था। FIS ने जो है स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.85% का किया है। वही दोस्तों बात करते हैं जो बोल सकते कि रेवेन्यू है कंपनी का, पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू देखते हैं 512.31 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो रिड्यूस होकर 154.82 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है कंपनी का जीबी के पावर का।
जहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है एवरेज देखेंगे तो डिक्रीज हुआ है, जो कि 41.8% रिड्यूस हुआ है इसका रेवेन्यू पर क्वार्टर। तो रेवेन्यू वगैरह कुछ खास कंपनी के यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है जीबीके पावर का। रिटेल शेयर होल्डर्स की बात करते हैं दोस्तों रिटेल शेयर होल्डर्स जो है 44.74% का जो है स्टेक था रिटेल शेयर होल्डर्स के पास, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रिड्यूस करके स्टेक रिटेल शेयर होल्डर्स ने 44.40% का किया है। प्रॉफिट की बात करते हैं जीबीके पावर का, पिछले थ्री क्वार्टर्स का प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, तो 118.67 करोड़ से प्रॉफिट रिड्यूस होकर 59.20 करोड़ हुआ है। तो पर क्वार्टर प्रॉफिट जो है 121.8% रिड्यूस हुआ है। एंड यहाँ पे जो कंपनी का अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, शेयर का प्राइस जो है लगभग कुछ डाउन चल रहा है, और उतना ज़्यादा शायद से हमें नहीं लगता है कि अभी फिलहाल जीबीके पावर के शेयर में जो है टारगेट वगैरह रखना चाहिए। पावर का जो शेयर है एक दिन में आप देख सकते हैं लगभग जो इसने एक लो प्राइस बनाया है 10.50 पैसे का, और जो हाई प्राइस बनाया है 11 रुपीज़ का। वही दोस्तों बात करते हैं 52 वीक का जो हाई प्राइस है 2.35 पैसे का, और 52 वीक का जो लो प्राइस है 17 रुपीज़ का। वन मंथ की बात करते हैं दोस्तों, जो हाई प्राइस माफ़ कीजिए, वन मंथ में जो इसने बोल सकते कि जो है शेयर में लगभग 8.55% जो ये शेयर डाउन हुआ है। थ्री मंथ्स में 24.65% ये शेयर डाउन हुआ है। वन ईयर की बात करते हैं तो 311% ये शेयर ने रिटर्न दिया है। तो फिलहाल जीबीके पावर का शेयर में जो अभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इसके चलते अगर देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस वगैरह रखना चाहिए कंपनी का। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जीबीके पावर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि इसका जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि इसका रेवेन्यू वगैरह नेट प्रॉफिट वगैरह आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट वगैरह जो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है जीबीके पावर का। वही दोस्तों रेवेन्यू की बात करते हैं, जो जीबीके पावर का जो रेवेन्यू है देख सकते हैं यहाँ पे डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का। तो कंपनी के बिजनेस को अगर देखेंगे तो उतना ज़्यादा कुछ खास अभी यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि मतलब जो है बिजनेस चल रहा है, और जहाँ पे इस कंपनी के अच्छा खासा तेज़ी रखना चाहिए या फिर रिटर्न जो है दे सकता है आगे चल के। देखिए हो सकता है कि वही अगर शेयर होल्ड करे जीबीके पावर का तो हो सकता है कि आगे चल के रिटर्न देखने को मिले। फिलहाल यहाँ पे 10.70 पैसे के आसपास शेयर चल रहा है, 10.60 या 70 पैसे के आसपास शेयर चल रहा है, तो यहाँ से एक बहुत ही छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चलना चाहिए। टेक्निकली भी शेयर अगर देखेंगे तो टेक्निकली शेयर उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जहाँ पे कंपनी के शेयर जीबीके पावर का शेयर थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है। एफआईएस ने स्टेक इंक्रीज किया है, रिटेल शेयर होल्डर्स ने स्टेक रिड्यूस किया है जीबीके पावर के शेयर में। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले कुछ क्वार्टर से रेवेन्यू प्रॉफिट उतना कुछ खास जनरेट नहीं हो रहा है। टेक्निकली जीबीके पावर का शेयर उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोमोटर्स के पास एक अच्छा खासा स्टेक है जीबीके पावर का। आपको कैसा लगता है जीबीके पावर का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।